वहीं पर विश्व विजेता भारतीय कप्तान ने शेयर की है अपनी दर्दनाक तस्वीरें। सूजन के कारण नहीं खोल पा रहे हैं आंख। अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद ने एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस फोटो में उनकी बाई आंख पूरी तरह से सूजन से भरी दिख रही है। उन्मुक्त ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है कि कोई बड़ी दुर्घटना उनके साथ नहीं हो पाई है। भारत को अपनी कप्तानी में साल 2012 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलाने वाले प्लेयर है उन्मुक्त चंद। आखिरकार उनको चोट कैसे लगी? उतने साल के उन्मुक्त चंद ने शनिवार को शेयर की है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ये नहीं बताया कि चोट आखिर उनको कैसे लगी। ये अभी पता नहीं चल पाया है। क्रिकेट खेलते समय उनकी आंख पर चोट लगी थी शायद, और हाल ही में उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी। उन्होंने लिखा था कि चिंता की कोई बात नहीं, और क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से कभी किसी बड़ी दुर्घटना से बच पाए थे। उन्होंने ये भी लिखा कि किसी को अच्छे और बुरे दौर पर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये किसी भी एथलीट के लिए ये आसान सफर नहीं होता। रोशनी जाने तक का खतरा बन सकता था उनके लिए। उन्मुक्त चंद की इस फोटो में उनकी बाई आंख पूरी तरह से सूजन से भरी दिख रही है। तो इतना ही नहीं, साफ तौर पर देखने से पता भी चल रहा है कि अगर चोट और गंभीर होती तो उनकी रोशनी पूरी तरह से आंख से चली जाती। और उन्होंने इसके साथ ही एक पोस्ट भी शेयर किया था। उन्मुक्त चंद को कभी भारत की राष्ट्रीय टीम से खेलने का मौका नहीं मिल पाया। उन्होंने 2012 में अपनी कप्तानी से भारत को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलाया था। उन्मुक्त ने अभी तक 67 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 33 से 69 रन बनाए थे, जिनमें से 8 शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। टॉप ऑर्डर के इस बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी किया था। वो हाल में बिग बॉस लीग में भी खेलते नजर आए।